पहले तो मैं आप सबका एक ऐतिहासिक मोमेंट पे सबका स्वागत करना चाहूँगा. दिस इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट. सो एवरीबडी आउट हियर, यू ऑल आर विटनेसिंग एंड यू ऑल आर इन्वॉल्व्ड एंड यू ऑल अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. क्योंकि ये दुनिया की, नॉट इंडियाज, नॉट एशियाज, लेकिन ये दुनिया की पहली NFT फंडेड फिल्म है. सो फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑल टू बी हियर. ये हम सब के लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने नहीं किया है अकेले, ये पूरी इंडियन NFT कम्युनिटी ने की है, आपने की है, हम सब ने साथ में की है. और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि दुनिया भर की आँखें जो हैं, जो नज़रें हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम सबको इस फिल्म पे देख रही हैं. बहुत बहुत जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जैसे कि द US और इवन इफ़ यू गो अप टू चाइना ऑन द ईस्टर्न साइड, वहाँ पर NFTs का जो प्रयोग होता है वो काफ़ी आगे बढ़ गया है. लेकिन उसके बावजूद इंडिया से पहली NFT फंडेड फिल्म आई है और ये बहुत ही बड़ी बात हो गई है. सो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट. आप यहाँ पर आए हैं, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है. और हम इस NFT की दुनिया को एक मास मूवमेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे जो देश है, वी हैव मोर देन 1.3 to 1.4 billion पीपल. और सिर्फ इस 1.3 और 1.4 बिलियन में ही एक छोटा सा जो एक परसेंटाइल है, इतना छोटा सा परसेंटाइल है, और फिर भी वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट क्रिप्टो यूजर्स इन दिस एंटायर वर्ल्ड. सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट प्लेस टू बी. और इसका जो पोटेंशियल है वो आप समझ भी नहीं सकते हैं इस वक्त. ये आज हमने क्या कर दिखाया है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक झलक देना चाहता हूँ. ये दुनिया भर के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया है, एक रास्ता बन गया है. पहले लोग जब फिल्म बनाना चाहते थे, जैसे कि मैं कैसे फिल्म बनाता, मैं लोगों के पास जाता, मैं बोलता कि भाई थोड़े से पैसे दे दो. मैं अपने चाचा के पास जाता, मैं बोलता थोड़ा पैसे दे दो. मैं अपने खुद के थोड़े से पैसे डाल देता. और वो सब करके भी जो मेरे चाचा हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बोलते कि यहाँ पर यार ये चेंज कर ले, यहाँ पर एक आइटम नंबर डाल दो, यहाँ पर ये कर दो. बहुत ही अच्छे सजेशंस हैं, लेकिन मैं अपनी खुद की पिक्चर, अपनी खुद की विजन को आगे नहीं बढ़ा सकता था. अब क्या हुआ है कि मैंने आप सबकी मदद से और एक सोच की मदद से एक ऐसा एक प्रोसेस किया है, जो जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आप सर, आप एक जाने माने एक प्रोड्यूसर हैं, आपने बकायदा 2-3 फिल्म्स प्रोड्यूस किए हैं, रीजनल सिनेमा बहुत है, छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स बहुत हैं, और हमने नेपोटिज्म का नाम भी सुना है. तो आई डोंट वांट टू गेट कंट्रोवर्शियल, लेकिन अगर आप मेरी तरह अपनी खुद की एक छोटी सी फिल्म बनाना चाहते हैं, तो ये एक रास्ता आ गया है जो दुनिया भर इसे इस्तेमाल करने वाला है. मैंने जून में अपना पहला NFT बनाया था, और मैं नहीं जानता था कि उस वक्त उस NFT बनाकर मैं इस देश का द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू हैव मेड एंड सोल्ड एन NFT. ये बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझमें, जो मैंने उसे चेस नहीं किया, वो हो गया. और उसके बाद NFTs मेरे बनते गए, बिकते गए, और मैं काफ़ी पॉपुलर हो गया इस NFT दुनिया में. मैं यहाँ पर भगवान की कृपा से पिछले 27 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ. मेरी शुरुआत हुई थी डिज्नी से, विकी वेताल पे, बहुत सारे अमेजिंग शोज़, जैसे कि हिप हिप हुर्रे, उसके डायरेक्टर नुपुर अस्थाना यहाँ पर हैं, सुचित्रा पिल्ले अंदर बैठी हैं, वो आएंगी अभी, रुशाद राणा है, हम सब अभी तक दोस्त हैं. बहुत बढ़िया फिल्म्स जैसे कि इश्क विश, जन्नत, किस्मत कनेक्शन, IPL, ये सब मेरे रास्ते में आ गई, और उसके लिए मैं हमेशा बहुत ही ग्रेटफुल हूँ. क्योंकि इस टिकटॉक और इंस्टाग्राम के 1 मिनट के जो हमारा 1 सेकंड 10 सेकंड का जो हमारा माइंड रिटेन हुआ है, 27 साल तक आप लोगों ने मुझे झेला है और अभी भी झेल रहे हो, उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा. तो मैं भी चाहता था कि मैं एक फ़िल्म बनाऊं, और ये एक रास्ता निकल गया. मैंने अपने NFTs बेचे, और उस पैसों से जो पैसे आए, मैंने सोचा कि मैं एक फ़िल्म बनाऊंगा. फिल्म का नाम है इल्म. जैसे कि आप देख सकते हैं, इल्म का मतलब है नॉलेज, एक शुरुआत, एक अंडरडॉग, एक इंस्पिरेशन. और आज सब हम सब एक बहुत ही कठिन टाइम से गुजर रहे, अभी भी हैं. जो पैंडेमिक हुआ है, जो दुनिया भर में वॉर्स हो रहे हैं, वो एक दूसरी चीज़ है. लेकिन हम सब यहाँ पर, हम सब ने एक कुछ खोया है, हमारे हिस्से का एक पर्सनालिटी का कुछ खोया है. और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनसे छिन गए कोविड की वजह से, और उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शायद रहना पड़ा, और उनके अंदर एक कला थी, और अब वो कला पता नहीं बाहर आएगी कि नहीं, क्योंकि अब तो उन्हें सर्वाइवल पर सोचना है.
ये कहानी है एक 11 साल के लड़के और उसकी दादी के बीच में, जब इनके जो पेरेंट्स हैं वो दो तीन महीने पहले एक एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली इनसे छिन जाते हैं। और ये जो लड़का है, आप तो समझते हैं कि जब 10-11 साल के बच्चे होते हैं, भगवान ना करे कि अगर उनके पेरेंट्स उनसे छिन जाए तो वो मतलब शट डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो एक वक्त होता है जब आप अपने पेरेंट्स से सबसे नज़दीक एक बॉन्ड बनता है और वो आपके लिए पूरी दुनिया है। तो ये शट डाउन हो जाता है और ये अपने दादी के साथ रहने लगता है, और फिर एक मोमेंट आता है जब इसकी दादी भी शायद उससे छिन जाए, और ये लड़का कैसे उसमें कामयाब होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को वापस समेट ले, या होता भी है कि नहीं, ये है एक छोटी सी कहानी। ये एक 35-40 मिनट की एक शॉर्ट फीचर फिल्म है जिसमें बकायदा बहुत उम्दा म्यूज़िक है। समर स्वरूप हैं जो इसके म्यूज़िक डायरेक्टर है और सिंगर भी हैं, और वो भी अंदर हैं। मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब उनसे भी बात करें, अंदर हम एक शो भी करेंगे उनके साथ। अभिजीत वगानी जो एक बहुत पॉपुलर कंपोज़र हैं, उन्होंने बैकग्राउंड म्यूज़िक की है। सोनल मेहरोत्रा कपूर जो आपके ही फील्ड में है, बहुत ही पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं, पहले NDTV के साथ थी, अब मनी कंट्रोल के साथ हैं, उन्होंने यहाँ पर एक स्पेशल अपेयरेंस की है। सुचित्रा पिल्ले ने की है। तो बहुत सारे लोगों ने अपना साहित्य अपना एक सपोर्ट दिया है, और इस सब को मिलाकर हमने तह 2 महीने में एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमने NFTs क्रिएट किए, उन्हें बेचे, और उस पैसों से जून से लेकर आज तक जो हमने कलेक्ट किया उससे मैंने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है इल। थोड़ा ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक नया टॉपिक है तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इसकी अहमियत समझें, क्योंकि मैं आपको ये सबके सामने एक ऐलान करना चाहता हूँ, छोटी मुँह बड़ी बात, माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ फिल्म्स आर गोइंग टू बी फंडेड विद NFTs इन द फ्यूचर, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट व्हेन हैज़ बिगन नाउ, हैज़ बिगन टुडे, हैज़ बिगन इन इंडिया, एंड इल्म इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट NFT फंडेड फिल्म। थैंक यू वेरी मच। इनेश कामिया, कम रिमूव योर सनग्लासेस यार, कम। सो आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू दीज लवली बॉयज। एक्टर्स जो होते हैं, हम सब बचपन में ही एक्टर्स होते हैं, हम सब अभी भी एक्टिंग ही कर रहे हैं सच्ची में, लेकिन जो नेचुरल और जो ब्यूटी आती है इन दोनों ने जो परफॉर्मेंस दी है इस फिल्म में, ये जो आप ब्यूटीफुल सा बच्चा देख रहे हैं यहाँ पर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, से हाय टू द होल वर्ल्ड। कम हियर, कम से योर नेम। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज उवैस मलिक। हाय एवरीवन, आई एम अनीश। तो उवैस ने कला, उवैस इज द पर्सन यू आर सीइंग हियर राइट नाउ। ये कहानी उवैस और उनकी ग्रैंडमदर के बारे में है। उवैस के नाम का नाम इस फिल्म में है कृष्णा। प्लीज नोट, उवैस का नाम है कृष्णा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। एंड ऑफ कोर्स दिस ब्यूटीफुल बॉय आउट हियर अनीश, आई मीन इज टेकन माई हार्ट अवे। आप जब फिल्म देखोगे, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि कुछ भी करके आप अंदर आकर देख लीजिए, ही इज प्ले द कैरेक्टर ऑफ छोटू। अगर आपको मैम्बो का कैरेक्टर पसंद आया था इश्क विश्क में, जो मैंने निभाया था करीबन आई थिंक 20 ईयर्स अगो परहैप्स, आपको इसका जो कैरेक्टर है इतना पसंद आएगा। एंड दीज टू ब्यूटिफुल बॉयज हैव डन सच ब्यूटिफुल वर्क, प्लीज गिव देम अ लॉट ऑफ लव। द फिल्म विल बी कंप्लीट। उन्होंने मुझे कहा कि जो तू है वैसे एक्ट कर, मतलब एक बॉल ऑफ एनर्जी। एंड आई लव्ड वर्किंग विद विशाल सर, बिकॉज़ ही इज ऑलवेज कीपिंग मी लाइक हैप्पी। यू आर ऑलवेज हैप्पी, आई डिडंट नीड टू डायरेक्ट एनी ऑफ देम। गो अहेड बाबा। विशाल सर ने जो मुझे मतलब जो अभी मुझे इतना प्राउड फील हुआ विशाल सर के साथ काम करने में, मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब मेरे लाइफ में ऐसा पहला डायरेक्टर होगा जो मेरे को इतना अच्छा गाइड किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा विशाल सर के साथ गाइड। अरे वो जो लाइन मैंने बोला था बोलने के लिए, वो नहीं बोला तूने? अरे वो वाला बोलना, वो वाला। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। दीज गाइज आर जस्ट अमेजिंग, एंड आई कांट वेट कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये जो दो छोटे से बच्चे हैं, छोटे से मतलब मैं थोड़ा सा, बट दे आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन द फिल्म, एंड गॉड ब्लेस देम। प्लीज गिव देम योर सपोर्ट, दे आर ब्रिलियंट 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 इन द फिल्म। ऑल द बेस्ट गाइस। वेल डन। फिल्म के बाद आगे क्या प्लान्स हैं, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आप शेयर करना चाहें? फिल्म के बाद क्या-क्या प्लान्स हैं आपके? सो
मैं इस वक्त इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा निक कल्याणी, निफ्टी ड्रीम्स जो आप देख रहे हैं ये है निक कल्याणी, और ये रियली जो है वो सपनों के सौदागर हैं, और मैं बता देता हूँ क्यों। इस फिल्म का बेसिक फंडा था कि हम NFTs बेचे और जो पैसे उनमें से आए हम उसका इस्तेमाल करके ये फिल्म बनाए, और फ्यूचर में भी हम ये करने वाले हैं। अब जो भी ये फिल्म, मतलब ये फिल्म ये नहीं है कि बहुत इस वक्त कि इट्स नॉट सच अ बिग बजट फिल्म कि ये इतने बड़े पैसे बनाएगा या इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना होगा, लेकिन होगा ज़रूर बहुत कुछ। लेकिन जो खरीदता है इस NFTs को, इन्हें कलेक्टर्स कहते हैं, उनको क्या फ़ायदा होता है? तो जब आप NFT बेचते हो तो उससे इस फिल्म यानी कि इल्म प्रोजेक्ट के लिए जो आप NFTs खरीदते हो, उससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको इस फिल्म में प्रोड्यूसर का क्रेडिट मिलेगा। अब मैं पिछले 27 साल से काम कर रहा हूँ और मैं जब भी अपना नाम देखता हूँ स्क्रीन पर तो मतलब मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। आप सब इस पर इससे आइडेंटिफाई करते हो। तो सबसे बड़ी जो यूटिलिटी है इसकी कि आप जब देखोगे इस फिल्म में तो आप इनके कलेक्टर्स के नाम देखेंगे। इसके अलावा हमने डिसाइड किया है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री में जिन्हें सबसे ज़्यादा संकट हुआ, जिसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कोविड के वक्त, वो थे हमारे डेली वेज वर्कर्स, हमारे ड्रेस दादा, हमारे स्पॉट दादा, हमारे लाइटमैन, क्योंकि काम ही नहीं था। तो हमने डिसाइड किया है कि इस फिल्म से जो भी हमें रेवेन्यू मिलेगा उसका एक हिस्सा हम दो चीज़ में बांटेंगे। नंबर वन, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर द डेली वेज वर्कर्स, यानी कि हमारे फिल्म में हम जितने भी डेली वेज वर्कर्स को अफोर्ड कर सके और उन्हें नौकरी दे सके और उन्हें क्रेडिबिलिटी और एक एम्प्लॉयमेंट दे सके हम देंगे, और उसके बावजूद हम उन्हें अपने तरफ से अ थैंक यू ग्रैटिट्यूड देंगे। तो ये एक दूसरी चीज़ है। अब ये है निक कल्याणी, और हमारे फिल्म की जो NFTs थे वो थे चार कैटेगरीज में, एक प्लैटिनम टिकट, एक सिल्वर टिकट, एक ब्रॉन्ज टिकट और एक गोल्ड टिकट। और प्लैटिनम का एक ही टिकट था और ये खरीदा है मिस्टर निक कल्याणी ने। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। निक रहते हैं अमेरिका में और ये हैं इंडियन। ये यहाँ पर आई थिंक यहाँ से कुछ 40 साल पहले अमेरिका के लिए रवाना हुए थे, और इन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स क्रिएट किए हैं और बहुत नाम कमाया है, पैसे भी कमाए हैं काफ़ी। लेकिन पॉइंट ये है कि उसके साथ भला किया है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर राहुल जी हैं, आई ऑल्सो रिक्वेस्ट हिम टू कम, उर्वी हैं, बहुत सारे हमारे कलेक्टर्स अलग अलग शहर से यहाँ पर आए हैं जिन्होंने हमारे जो NFT टिकट्स हैं वो कलेक्ट किए हैं, और उसके वजह से हमने फिल्म बनाई। अब आपका सवाल था कि हम आगे क्या करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो धीरे धीरे टू मेक फिल्म्स एंड टू मेक वेब सीरीज विथ बिगर बजट्स, विच इज़ गोइंग टू बी फंडेड प्योरली फ्रॉम द ब्लॉकचेन, यानी कि NFT से ये फंड हो सकता है, क्रिप्टो से ये फंड हो सकता है, कहीं से भी फंड हो सकता है जहाँ ब्लॉकचेन से आए। और वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं निक कल्याणी, और निक कल्याणी के जो नया वेंचर है उनका नाम है NFT ड्रीम्स, यानी कि निफ्टी ड्रीम्स, जिसमें वो आर्टिस्ट्स को बैक करना चाहते हैं, उन्हें पावर देना चाहते हैं, और वो जो शब्द होता है स्टार्विंग आर्टिस्ट वो हटाकर एक्सट्रीमली प्रॉस्परस एंड वेल टू डू आर्टिस्ट का वो दर्जा देना चाहते हैं। सो आई थैंक यू फॉर दैट ग्रेट वेंचर, थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर आप निक से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं यू कैन गो राइट अहेड एंड आस्क। Anything you want to ask? Sir, आप क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म जो बनाई है विशाल ने, क्या क्या खास बात लगी थी आपको? Sure. Do you mind if I answer in English? Yeah, yeah, absolutely. Yeah, cool. So when Vishal approached me, it took me literally 5 seconds to say yes, because I see him as a very credible person in this space who's an innovator and who wanted to, you know, just break new ground. And I felt like this is a huge momentous opportunity for me to get into Bollywood. I am originally from Bombay. I left here when I was 18, and Bollywood runs in my blood. And so for me, it was a great opportunity to connect and to actually do something useful. When he later told me that the funds from the film would be used to help, you know, some of the people working on the staff, the daily wage workers, that was even better. So yeah, with Nifty Dreams, we are gonna collaborate and do this bigger, better, and just continue to break new ground and just
do some amazing things in the space and put, like Bollywood's already on the map, we're going to put it on the crypto map as well. So it's very exciting. So here we are. It's a pretty big announcement today ki Nifty Dreams and VMF, which is Vishal Malhotra Films, are going to be coming up with our next venture, which is going to be bigger. It's going to be, I don't know if it's going to be better, because this is going to create some standards, but that's where. And he said, you know, there's a small role in this, what will you do? So, in a few seconds, I said, you're making anything, I would be more than happy to be part of it. And I'm very proud with what he's come up with. You know, NFTs, ke baare mein, frankly speaking, oh, there's the star. He's so good. He's so good, that little boy. You know, NFTs ke baare mein mujhe koi bhi jankari nahi thi, frankly speaking, okay? When he told me about this film, and he said NFT funded, I still didn't understand. What you all will get to see in this film is the fact that it explains what NFT is about. Yahi nahi ki sirf ye world's first NFT funded film hai, lekin you will get that knowledge also in a very beautiful way. They have put it in the film, so ye koi documentary aur aisa bhashan dene wala nahi hai ki NFT kya hai. But in a very lovely way, you will find out what that is also about. Bahut hi heartfelt film hai. The music is really beautiful, really, really beautiful. Chota sa film hai, but you know, it's really been lifted up with the music, and the performance is also really brilliant, especially, you know, the little boy who plays Krishna, really, really wonderful. I'm so, so proud of Vishal. I mean, Vishal ke saath to bahut, bahut saalo se connection hai. Hip Hip Hooray mein, you know, jab unka, when he was launched, shall we say, by Nupur Asthana, jo yahan pe hai, main uski professor thi usme, Alaknanda ma'am. Aur tabhi se, you know, one has been supporting all of the kids, Rushad Rana, Purab Kohli, P.R.I. Chaudhary, Shweta Salve, sab isi serial mein shuru hue the, unke careers. And to achha lagta hai ki, you know, 25 saal baad, ye jo bacche the aur ab bade ho gaye, and they're making something so fantastic. And I'm just so, so proud of him and so proud to be part of it. Directorial debut hai, toh main bahut, bahut zyada khush hoon, excited hoon, proud hoon. And I think it's such a lovely thing ki wo NFT mein itne deep ghuse hue hain. Aur inhone badi smartly, इन्होंने बड़ी स्मार्टली इस फिल्म के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की है कि एनएफटी क्या होती है. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग एज ए ले पर्सन, मुझे भी इस फिल्म से पहले पता नहीं था कि एनएफटी क्या है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ नॉन फंजिबल टोकन. तो आई थिंक इसके जरिए, इस फिल्म के जरिए बहुत स्वीट तरीके से इन्होंने लोगों को समझाया कि वॉट एनएफटी इज़ ऑल अबाउट. एंड जैसा कि इन्होंने बताया, ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि एक एनएफटी फंडेड फिल्म इन्होंने बनाई है. सो आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड फॉर हिम. आई हैव टू सी द फिल्म बिफोर आई कमेंट ऑन द फिल्म, बट इफ आई नो विशाल, ही मस्ट हैव मेड अ वेरी गुड फिल्म. विशाल, वी गो अ लॉन्ग वे बैक. आई हैड टू बी हियर एंड इट वाज वेरी टफ लैंडिंग अप हियर टुडे बिकॉज आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टुडे बिकॉज आई वाज एक्चुअली रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग ऑन अ संडे. बट विशाल सेड यू हैव टू कम हियर. You know, Vishal was in his first film, Ishq Vishq, which had music by me with Ken, yes, as a director. Yes. So we connected there. I mean, after that, of course, entertainment ke liye kuch bhi karega. Vishal was hosting that fabulous show with me and Faraj, judges. Today, I'm mighty impressed, very happy to know that Vishal has literally evolved, because from acting, from being a host, he's today turned into a director. And I'm actually yearning to see the film, because if I know Vishal, he has aesthetic sense. He understands music, he understands filmmaking. We've also had some discussions on what he would do in terms of making a film. And today, right here, I'm actually going to speak about the film the moment I see the film and come out. But I want to congratulate Vishal for really taking this leap of faith and being where he is today. Congratulations, Vishal. Thank you, sir. And thank you, all the best to you and to your team. Thank you. Thank you. I want to say that, Samarth is the music director of this film. Samarth, congratulations. And, just want to say, I want to introduce him. Such a young age, and I want to wish him all the best, Samarth. God bless you with a lot of success. Thank you. Thank you, sir. And Samarth, I'll say this with apology, but I always wanted and I aspired that I would get somebody of the stature of Mr. Anu Malik to do the music for our film and being the first film. But as you all know, somebody who's been rock steady
for I think the last 30 years in our film industry and giving repeated hits, and it's not easy to be here for so long. A person who's this busy, even at this stature, right, it becomes very difficult to coordinate and things like that. But right now in front of everybody, Anuji, I want to promise me that the next one, you'll take out time to please, this time at least, keep your promise. I promise you. There you go. I'm there with you. Thank you. And thank you for the offer. Thank you. Vishal. Thank you. It'll be an offer. Yeah. I would like to congratulate him and I would, just say he's getting younger and younger. Yeah, man, day by day. You know, he's not aging. I don't know what does he eat and what does he do. But then on a serious note, you know, I would really like to congratulate him and let's see. I'm really looking forward to watch the film and let's see, I mean, you know, how it goes. Yeah. अभी एक OTT फिल्म खत्म की है और आपको पता है लास्ट दिसंबर को एक मलयालम फिल्म आउट हुई थी एंड आई एम शूटिंग फॉर समथिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ सो आई मीन यू नो प्रॉब्ली 2-3 प्रोजेक्ट्स माइट कम दिस ईयर सो या आई वुडंट माइंड गोइंग फॉर खतरों के खिलाड़ी आई रियली लाइक डूइंग यू नो सम स्टंट्स एंड स्टफ लाइक दैट एंड any which way I am, you know, into boxing and MMA, I would like to do something like that. I don't know about Big Boss, but then Khatro probably, yes. I might, yeah. अरे I just feel it's Indian cinema, you know. हम Hollywood की बात करते हैं तो सारे फिल्म साथ में आती है हम Bollywood की बात करते हैं सारी फिल्म साथ में आती है I don't personally if you ask me I don't think any difference you know between a South film industry or you know probably Bollywood I think you know everything and I think everybody is a part of Indian film industry तो मैं ऐसे नहीं देखती उसको Thank you